स्वागत है आपका। शी शुगर है जी। अच्छा देखिए शुगर वाले जो भी दवा आप खा रहे हैं वो छोड़ना नहीं, ठीक है। अब एक दवा मैं बता रहा हूँ वो भी चालू कर दें, एक्जिमा हो, शुगर हो, दाद हो, उसमें काफ़ी आपको रिलैक्स होता है। जामुन तो आप जानते हैं, सभी जानते हैं, जामुन, जामुन की गुठली, जामुन का पत्ता, लेकिन ये कुछ नहीं है, जामुन का गोंद। ये दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि जामुन का गोंद भी होता है और जामुन से 100 गुना तेज़ काम करता है। एक चुटकी में जितना आए, एक चुटकी में बस, दिन में एक बार या दो बार खा लिया करिए, और बाकी दवाएं वो ही खाइए जो आप खाते हैं डॉक्टरों की, और आप 5 दिन में, हफ्ते में, फिर आप अपने शुगर टेस्ट करना, और 15 दिन में आप अपना एक्जिमा देखना, आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि आपके ये मर्ज धीरे धीरे कम होने लगे। और ये एक अच्छी दवा है, अगर आपको असली मिल जाए तो। याद रखें ये दुनिया की सबसे तेज़ असर दवा है, जड़ी बूटियां जो कच्ची दवाएं हैं यानी रॉ मटेरियल में, लेकिन इसको ये इतनी तेज़ है कि एक चुटकी से ज़्यादा खाना बिल्कुल मना है। याद रखें एक चुटकी से ज़्यादा कभी ना खाएं, एक बार या दो बार पूरे दिन में खाने से पहले खाएं तो बेहतर है, पानी से खाएं तो बेहतर है। स्वागत है आपका। मेरी सर तबीयत बहुत खराब रहती है, दर्द बहुत ज्यादा रहता है जी। कहाँ कहाँ दर्द है? दर्द पीठ में रहता है भाई साहब, और ये घुटने में रहता है, पीठ में इतना ज्यादा रहता है कि मैं, पीठ का दर्द सीने तक आता है, एसिडिटी बहुत रहती है। ठीक है, ये फितरी तौर पर 40-50 साल में ये दर्द होता ही है। अब अक्सर तो हम एलोपैथ खा लेते हैं, उससे फ़ायदा होता है, लेकिन खानी पड़ती है रोज़ाना, और जब तक असर रहता है हम फायदे में रहते हैं। एक इलाज, ये सब भी जानते हैं, अब तो सब पढ़े लिखे हैं हिंदुस्तान में, एक इलाज ये है जो हम एक रॉ मटेरियल बताते हैं, गोंद स्याह नाम से, काला गोंद भी कहते हैं इसे, गोंद स्याह हम लोग कहते हैं लेकिन इसे गोंद, काला गोंद भी कहा जाता है। अगर किसी को असली मिल जाए तो आधा आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद खाना चाहिए, और धनिया का पाउडर आधा आधा चम्मच में मिला के खाना चाहिए ताकि आपकी गैस और एसिडिटी से भी राहत रह सके। पानी से लें या कम चर्बी के दूध से लें, आधा आधा ग्राम लें, और असली गोंसिया लेना ज़रूरी है, नकली बहुत मिलता है, बहुत बेईमानी चल रही है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ये सब करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है, लेकिन ये याद रखें कि 2-3 बातें और माननी है। एक तो ये वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करना है, कुर्सी वाला शौचालय अपनी ज़रूरत में, और ये झाड़ू पोंछा जैसा काम ना करें कुछ दिन जब तक इलाज चल रहा हो, बाकी सब कम मेहनत वाले काम आप कर सकते हैं, आपको फायदा होना मुमकिन है। प्रदीप जी स्वागत है आपका। हेलो जी सर। हकीम साहब जय हिंद, मैं आर्मी कैंट हिसार से बोल रहा हूँ, प्रदीप रावत जी। रावत साहब स्वागत, जय हिंद। जय हिंद सर। सर मेरे 2 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल है सर, मेरी कश्मीर पोस्टिंग हुई थी रसाई में, उसके बाद सर मेरे, मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है और शरीर में जैसे चींटियां चलती हैं, ऐसा होता है गर्मियों में मेरे साथ। देखिए खून में अगर हिद्दत हो जाए तो ऐसा होता है, और बहुत आसानी से अच्छा भी होना मुमकिन है इसका, बस समझ लें उसका, बहुत मामूली सा नुस्खा है। देखिए देखने में मामूली है, लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो बहुत यानी गैर मामूली है। एक चुटकी खाने का सोडा जो आपके किचन में होता है, किचन वाला सोडा, मीठा सोडा भी कहते हैं, और एक चुटकी नमक जैतून, बस काफ़ी है, दिन में एक बार या दो बार पानी में मिलाकर पी लिया करें। याद रखें एक चुटकी मीठा सोडा, खाने का सोडा जो हमारे किचन में यूज़ होता है, और एक चुटकी नमक जैतून असली लेना, पानी में मिला के बस
दिन भर में एक बार या दो बार खाने से पहले लें, बाद में लें, इसका कुछ फर्क नहीं है। बस लें, एक बार शुरू करें, उसी से फ़ायदा मुमकिन है। अगर लगे कम फ़ायदा है तो दो बार भी दिन में ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ना लें। क्योंकि देखने में बहुत मामूली सा, आप सोचेंगे कि इतने बड़े मिलिट्री मैन को इतने मामूली सा नुस्खे का क्या असर होगा, लेकिन ये बड़े अजीब फ़ायदे करता है। खून में हिद्दत यानी गर्मी हो, और खून की सफाई करनी हो, मुहासे हो, स्किन का कोई प्रॉब्लम हो, मिर्चें लगती हो, एसिडिटी हो, कब्ज हो, यहाँ तक कि किडनी के बीमारियों में जलन हो पेशाब में, इन्फेक्शन हो पेशाब में, और लीवर में इन्फेक्शन हो, लीवर बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है फैटी लीवर, वहाँ से हो, इन सब के लिए मैंने अपने जीवन में इससे अच्छा कोई नुस्खा नहीं देखा। आप चाहें तो ले सकते हैं। राकेश कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। आदाब आदाब हकीम जी। जय हिंद, स्वागत है भाई आपका राकेश। सर जी, ऐसा था कि हमने आपके यहाँ जैतून का सिरका मंगाया था जी। तो आप, मैंने फैटी लीवर के कुटकी बताई थी आपने, कुटकी के साथ लेना था जी। तो उसमें कुटकी कितनी मात्रा में डालनी होती है? और एक ये पूछना था कि जैसे कि जैतून का नमक के साथ बताते हैं मीठा सोडा, क्या मीठा सोडा जैतून के सिरके के साथ भी लिया जा सकता है? कुटकी एक चुटकी, याद रखें कुटकी एक चुटकी, उसमें मिलाएंगे तो कड़वी बहुत होती है। अच्छा, ये पहले मुंह में डाली जाए तो कड़वी नहीं लगती, लेकिन जितनी देर मुंह में रहती है कड़वाहट इसकी बढ़ती ही रहती है। यह असली पहचान है, बाहर से सफ़ेद सी होती है, अंदर से हरी सी होती है। एक जड़ी बूटी है पहाड़ी, तो ये मिल जाए तो एक चुटकी कुटकी और वो सिरका आप लें, रोज़ लें, दो बार ले सकते हैं, खाने के बाद ले सकते हैं, पहले भी ले सकते हैं। और क्या सवाल? मीठा सोडा जैतून का सिरका साथ में? हाँ, ज़रूर ले सकते हैं, मीठा सोडा एक चुटकी जैतून के सिरके में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसमें डालते ही एकदम ऊपर को आता है, तो उसे शांत होने दें, उसके बाद पी लें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। अनीता रावत जी, स्वागत है आपका। 21 साल की सर, उसके पैर में पक गया था सर, अंगूठा पक गया था सर, उसके नाखून नीचे के लिए नीचे बढ़ते हैं सर, तो उसका पैर पक गया था सर। तो उसमें हम लोग दिखवाने गए थे तो डॉक्टर ने शुगर टेस्ट करवाई सर, तो एकदम से 485 सर शुगर हो गई सर उसको। तो क्या करें उसके लिए सर, बहुत छोटी एज है, खत्म हो जाए उसकी शुगर तो बहुत अच्छा रहे सर। और दूसरा सवाल है सर, हम कौन सी जगह मंगवाया था सर, तो उसकी हमने लिया सर, तो हमें 8 ही दिन में बहुत आराम होगा, हम तो हवाई मोड़ने लगे सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर, लेकिन वो एक जगह गमी हो गई थी, तो हम 3-4 दिन के लिए चले गए थे सर, तो बॉन फिगर ले जाना भूल गए सर, तो हमारा दर्द फिर वापस आ गया सर, इसे ठीक हो सकता है? ठीक जी सर। अच्छा। और हमारे हस्बैंड को सर दिन में 2-4 बार थकती जैसी खांसी आती जैसी सर, और उनको कफ आता है, कफ खांसी में सर, इनके लिए दवा बता दीजिए। ठीक है ठीक, यही होता है कि जब हमें फायदा हो जाता है तो हम दवा भूल जाते हैं और पार्टी में चले जाते हैं, तो ये तो दोबारा लेंगे तो ये तो 3-4 महीने लेना चाहिए। किसी को 1 महीने में भी फायदा हो जाए तो उसे चाहिए 3-4 महीने लें, और एहतियात के तौर पर ये जो कुर्सी वाला शौचालय है ये यूज़ किया करें, झाड़ू पोंछा बिल्कुल ना करें। ये सब सबके लिए मेरा मैसेज है, तो आप तो बहुत आसानी से अच्छे हो ही जाएंगे, मुझे उम्मीद है भगवान से। और क्या है? बेटी है 21 साल की, अंगूठा पक गया था और शुगर की प्रॉब्लम है। अच्छा, हो सकता है इनको एक्सीडेंटल शुगर हो, कुछ शुगर होती है एक्सीडेंटल, अगर किसी बीमारी की वजह से, कोई इन्फेक्शन की वजह से, किसी बुखार की वजह से, तो डॉक्टर ने आपको दवा भी दी होगी वो लें, और अगर एक्सीडेंटल होगी तो ये अच्छी हो जाती है उसी दवा से, वरना फिर ज़िंदगी भर दवा खानी है। तो कुछ बच्चियों को ऐसा होता है,
कुछ मरीजों को, तो देख ले शुगर है कौन सी, खाना फिर दवाएं ली होंगी उससे कम होने लगी होगी, दवाएं ज़रूर लें एलोपैथ की, और फिर बार बार चेक कराएं 15 दिन में महीने में, तो आपको पता चलेगा कहाँ चल रही है शुगर। और शुगर वाले तो अक्सर एक मशीन ले लेते हैं, वो खुद ही टेस्ट कर लेते हैं तो अंदाज़ा रहता है। फिर यह है कि एक आता है, एक गोंद आता है जिसे हम जामुन का गोंद कहते हैं, आपने सुना नहीं होगा, जामुन का भी गोंद होता है, मुश्किल से भी मिलता है, नकली ना मिले असली लें। एक चुटकी रोज़ाना जामुन का गोंद, एक बार या दो बार बस खाने से पहले खिला दिया करें पानी से, फिर देखें आप उनकी शुगर। एक मशीन ले लीजिए जिससे आप टेस्ट कर सके। टेस्ट करने का तरीका यह है कि सुबह अगर रात को 9 बजे खाना खाया है और उसके बाद कुछ नहीं खाया तो सुबह 9 बजे उसे टेस्ट करें, तो आपको फौरन रिजल्ट मिल जाए कितनी है। अगर वो 100 के अंदर आती है खाली पेट की तो ये बहुत अच्छी है। और खाना खा लें, फिर खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद चेक करें कितनी आती है, 140 के अंदर में आती है या ज़्यादा आती है। ये तरीका है, इसको इस्तेमाल करें और पता करें अपने शुगर का। हर शख्स को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वो अपना इलाज कर सके या अपना मुआयना कर सके, यानी चेकअप कर सके। हस्बैंड को खांसी कब? हस्बैंड को अगर सिगरेट पीते हैं तो खांसी कब कभी कभी रहेगा। दवाएं बहुत हैं, एक नुस्खा मैं घरेलू बताता हूँ, वो काफ़ी कामयाब है। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें हैं, ये 3 दवाएं हैं। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम खरीदें, और आपके किचन में होती है पीपलें जिसे पीपला मूल कहते हैं, गरम मसालों में शहतूत जैसी होती है, ये 30 ग्राम, बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम। पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह निहार मुँह पिलाएं। और ये हस्बैंड लोग बहुत चाय के शौकीन होते हैं तो ये खिला के एक कप चाय मेरी तरफ से गर्मा गर्म पिला दें, और बहुत ज़्यादा परेशानी है तो रात को भी 1 चम्मच ही खिला कर चाय पिलाएं या गर्म पानी पिला दें, बस काफ़ी है आपके हस्बैंड के लिए।